राजधानी रांची के सेल सिटी परिसर में भी विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई गई। भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा सुसज्जित तरीके से सजाई गई थी और साथ ही कशिश परिवार के सभी लोग ने एक साथ पूजा अर्चना की। भगवान विश्वकर्मा से यह प्रार्थना की गई कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबसे बड़े शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा का आज जन्मदिन है, यानी कि आज जो है भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है और 17 सितंबर बेहद ही खास दिन होता है। ऐसे तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन है और हम दिखाना चाहेंगे कि विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर जो सेल सिटी परिसर में आयोजन भव्य आयोजन किया गया है और आप देख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से कि सेल सिटी के जो परिवार हैं वो सभी यहाँ पर दिख रहे होंगे और भव्य तरीके से पूजा अर्चना हुई है। हमारे साथ तिवारी सर हैं पूरी जानकारी देने के लिए। सर, पूजा अर्चना हुई है, भगवान विश्वकर्मा से क्या प्रार्थना रही? सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं अपने कशिश परिवार के सारे एम्प्लॉई, सारे वर्कर और वो सारे लोग जो हमसे किसी भी रूप में जुड़े हैं उन सबको भगवान विश्वकर्मा के अवसर पर आज सबको बधाई देना चाहूँगा, सबको शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कशिश परिवार सृजनकर्ता के ही रूप में शुरुआत किया है कशिश परिवार ने और अब हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो इन सब का कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत ये भगवान विश्वकर्मा ही है। आपने सही कहा, विश्व को रचित करने वाले, सृजन करने वाले भगवान विश्वकर्मा का आज जन्म दिवस भी मनाया जाता है और उन्हीं की याद में आज विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। हम सारे लोग किसी न किसी रूप में उनके सृजनात्मक जो कला है उसको ही लेकर आज आगे बढ़ रहे हैं और उसके तहत हमारे जितने भी बंधु हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से हमको सहयोग कर रहे हों, तो उनको आज याद करने का समय है और उनको नमन करने का समय है और उनके लिए ही हम एक उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को करते रहते हैं। तो आज ये जो प्रतिमा पीछे देख रहे हैं ये हमारे कशिश परिवार की ओर से इकट्ठे ही यहाँ पर सेल सिटी प्रांगण में स्थापित की गई है। पूजा अर्चना हो चुकी है, प्रसाद वितरण होगा और इसके बाद संध्या भजन कीर्तन होगा और फिर कल भगवान की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से पूजा अर्चना हुई है, हवन भी हुआ है, विधिवत पूजा अर्चना की गई है, प्रसाद वितरण हो रहा है, कई जो लोग हैं यहाँ पर उपस्थित है, कशिश परिवार से जुड़े हुए हैं। सर क्या कहेंगे, आज विश्वकर्मा पूजा है? विश्वकर्मा पूजा तो हम लोग बहुत अच्छे से आज 2010 से स्टार्ट किए थे, पहले बृहद पैमाने पे होता था, उसी को छोटा करके, लेकिन कंटिन्यू 10 साल से चल रहा है। आज 10 से 15 साल होने चला है पूजा को और हमारे जितने भी वर्कर हैं, मेरे साथी हैं, सभी लोग तन मन धन से रात भर जग के मूर्ति को सजाया गया, पूजा किया गया, ये सब यही है। बिल्कुल बचपन से ही हम लोग सुनते आ रहे हैं विश्वकर्मा भगवान की पूजा होती आ रही है और आदि अनंत काल से ही भगवान विश्वकर्मा को पूजते हैं, देवता भी पूजा करते थे। तो एक और व्यक्ति हैं सर, आज विश्वकर्मा पूजा जी हम लोग आए हुए सम्मिलित होने के लिए इस पूजा में और बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, और जैसा सर बताएंगे शांतिपूर्ण तरीके से, ये हमारे लिए और भी खुशी की बात है और हम लोग बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ इस पूजन को मना रहे हैं। बिल्कुल बेहद ही खुशी और उत्साह के साथ इस विश्वकर्मा पूजन को मनाया जा रहा है। एक और व्यक्ति है, क्या कहेंगे, आज भगवान विश्वकर्मा की पूजा हो रही है बड़ी धूमधाम से? बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा हो रही है, हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, रात भर जगे हुए हैं, भगवान को सजाए हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत हम लोग खुश हैं। बिल्कुल इन्हीं के हाथों से ये सजाया गया है और बड़े ही भव्य तरीके से सजावट की गई है, क्या कहेंगे आप, क्या नाम है? समी कुमार महतो। विश्वकर्मा पूजा हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बहुत दिनों से मनाते आ रहे हैं, उसी के हर औजार से हम काम करते हैं, हम ऐसे प्लम्बर हैं, हथौड़ी छेनी जो भी बनता है, जो भी विश्वकर्मा से ही बना है उसी से हम लोग अभी इतना आगे बढ़े हैं, बाइक है, गाड़ी है, जो भी विश्वकर्मा ही है उसी को हम लोग लेके चलते हैं, अच्छा से हम लोग को संपूर्ण साल भर रखते हैं, कहीं गिरना पड़ना जो भी होता है विश्वकर्मा ही सब देख रहे हैं, कैसे चला रहे हैं सृष्टि को, विश्वकर्मा से ही बहुत सृष्टि चल रहा है। आज प्रधानमंत्री के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, इनके लिए कई ऐसी योजनाएं जो है जिसकी शुभारंभ की जाएगी, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं विश्वकर्मा
कर्मा पूजा की सबको बधाई देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और हम यहाँ पे पतरातु से आए हुए हैं, पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पे सेल सिटी के प्रांगण में विश्वकर्मा पूजा में शामिल होने के लिए। यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से लोग व्यवस्था किए हुए हैं और धूमधाम से मना रहे हैं शांतिपूर्वक। बिल्कुल, सेल सिटी परिसर में कई त्यौहार, सिर्फ विश्वकर्मा पूजा ही नहीं, कई ऐसे त्यौहार जो हैं वो बड़े ही धूमधाम से और पूरा एक जगह एक परिवार जो है, यानी कि पूरा सेल सिटी, यहाँ पर हजारों लोग रहते हैं और पूरे धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। ओम मंत्रस्य देवो विश्वकर्मे आवाहिं च आवाहित देवेभ्यो संचिता स्वस्थ चक्र विश्व देवेभ्यो जायते यजामहे सुगंधिता पुष्टि वर्धनम च रूपस्य देवेभ्यो सजाता विश्वकर्मे सकल मनोकामना सिद्धे आवाहन आवाहिता च संपूर्ण हितश्च नमश्चक्रे विश्व देवेभ्यो जायते च सुतनाद्याकृता मंत्र सिद्धे रूपस्य देवो जायते च सदा भवानी दायिनी सन्मुखरे गणेश पंचदेवी रक्षा करे ब्रह्म विष्णुमय सदा जायते विघ्न बाधा सर्व शांति रत्न इंद्रभ्यो जायते सर्वेभ्यो शांति शांति भवतु। भगवान की जय। सृजन करता भगवान विश्वकर्मा के। तो इस तरीके से भगवान विश्वकर्मा के जयकारे जो हैं वो सेल सिटी परिसर में लग रहे हैं। हालांकि पूरी राजधानी रांची जो है वो भगवान विश्वकर्मा की जयंती मना रही है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भी मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची। और रांची के सेल सिटी परिसर से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रुचि, विश्वकर्मा पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई और कशिश परिवार के सदस्य मौजूद रहे, बातचीत कीजिए, तस्वीरें दिखाइए रुचि। बिल्कुल रश्मि, देखिए सीधे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि एक ओर यहाँ पर सामने देख सकते हैं कि भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा लगाई गई है, वहीं दूसरी ओर गाड़ियों की पूजा की गई है, जो वाहन है पूजा की गई है और कशिश परिवार के जो मुख्य सदस्य हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। सेल सिटी परिसर के मुख्य सदस्य उपस्थित हैं। सबसे पहले सर के पास चलते हैं। सर, क्या कहेंगे आज विश्वकर्मा पूजा के अवसर? आप देख रही हैं सारे लोग आज विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में अति उत्साहित हैं और पूजा तो संपन्न हो चुकी है, प्रसाद वितरण चल रहा है, थोड़ी देर में अब भोग का भी वितरण किया जाएगा। और आज हमारे सेल सिटी में जितने भी उपलब्ध वाहन हैं उन सबको हम लोगों ने लगभग यहाँ एकत्रित कर दिया है और भगवान विश्वकर्मा की पूजा के बाद पंडित जी ने मंत्रोणाचार के साथ सारे वाहनों की भी पूजा की है। आप एक बार चाहें तो सबको तस्वीर दिखा सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक जितनी वाहनें आप देख रही हैं वो सब कंपनी और कंपनी के लोगों की हैं। तो अब पूजा लगभग आधे घंटे के बाद भोग वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमारी जो अन्य यूनिट के भी लोग हैं, कुछ जैसे आप पतरातू में भी हमारा कुछ काम चल रहा था तो वहाँ के भी सदस्य हैं, कुछ वैसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं एज ए कॉन्ट्रेक्टर उनके भी लोग हैं। इन सभी के जो खासकर जो शिल्पकार समूह में आते हैं, जैसे प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, जो राजमिस्त्री हैं, उन सबको हम लोगों ने आज लंच की व्यवस्था की है। उन सबको हम लोग प्रसाद वितरण कराएंगे और यही कार्यक्रम है। इसके बाद थोड़ी देर हम लोग उधर चलेंगे। तो बिल्कुल शिल्पकार समाज पर विशेष कृपा भगवान विश्वकर्मा की होती है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है बड़े धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाया गया है। सर हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर, आज विश्वकर्मा पूजा बेहद ही खास दिन होता है। विश्वकर्मा पूजा तो बहुत हम लोगों के लिए, खास करके डेवलपर के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए जितने भी मिस्त्री वगैरह का यूज किया जाता है, वाहन का यूज किया जाता है, वो सभी वाहनों का विधिवत पूजा करते हैं और साथ साथ सभी हम लोग मिलकर जितने भी लेबर हैं, हमारे कलीग हैं, एक लंच का व्यवस्था होता है और हम लोग साथ मिलकर करते हैं। बिल्कुल, आज उनके सम्मान का दिवस होता है और आज भगवान विश्वकर्मा की कहें तो स्पेशल कृपा है रश्मि कि आज पूरी सृष्टि, यानी कि सृष्टि के जो शिल्पकार हैं वो भगवान विश्वकर्मा हैं। पतरातू से भी कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोग पतरातू से आए हुए हैं यहाँ पे, आज पहली बार यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं पूजा में, तो यहाँ शामिल होके बहुत ही मतलब अच्छा लगा हमको। यहाँ जितना उत्साह से लोग मना रहे हैं तो देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हमको मौका मिला आने का। बिल्कुल आने का मौका मिला, इसके लिए पूरे कशिश टीम को भी धन्यवाद देंगे। और देखिए कई जो शिल्पकार हैं, खास कर यहाँ आइए, क्या कहेंगे आज? हम लोगों के लिए तो ये एक विशेष अवसर है
सालाना एक के सब प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के तरफ से हम लोगों के लिए एक सालाना वर्ष का एक ही उत्सव भगवान विश्वकर्मा के लिए हम लोग मनाते हैं, जो उनके ही आशीर्वाद से हम लोग कुछ कर पाते हैं या होता है। शिल्पी तो यही हैं, तो इनकी हम लोग आज बहुत अच्छे ढंग से पूजा, और वर्षों से आज नहीं करीब 12-13 वर्षों से तो मैं हम लोग पूरी टीम सम्मिलित होते आई है, और इस वर्ष भी हम लोग उसी विधान से और उसी उल्लास से फिर हम लोग अपने ही ढंग से यहाँ पर जितनी होती है किसी से बाहरी व्यक्ति से नहीं, पूरी सजावट हम लोग अपने ही से करते हैं। बिल्कुल, एक बार कैमरे के माध्यम से हम फिर पुनः चाहेंगे रश्मि कि वो तस्वीर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के साथ साथ जो पीछे सजावट की गई है वो केले के पत्ते से, यानी कि कहीं से कोई बाहरी डेकोरेट करने के लिए नहीं पहुंचे थे, यहीं के जो प्लम्बर हो इलेक्ट्रिशियन हो सभी मिल करके और इन्होंने ये सुंदर सी सजावट की है। लिए चलते पंडित जी हैं इनके पास, ये क्या कहते हैं? हम पतरातु से आया, मैं कशिश परिवार का ही सदस्य हूँ। हाँ। और पहला बार मैं यहाँ आया हूँ। कशिश परिवार में जुड़ने पे जो आनंद है वो कह नहीं सकते। हम तो यही भगवान विश्वकर्मा से कहेंगे कि कशिश परिवार और कशिश कंपनी पूरे दुनिया में अपना नाम करे। बिल्कुल, भगवान विश्वकर्मा की विशेष कृपा रही है और उसका ये सेल सिटी परिसर जो है वो जीता जागता नमूना है। बिल्कुल रुचि, तो तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं, सेल सिटी में बड़े ही धूमधाम से विश्वकर्मा पूजा मनाई गई है और भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन को धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।